कोरोना काल में बिजली विभाग के कर्मचारी भी कोरोना योद्धा के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जयपुर डिस्कॉम के एमडी एके गुप्ता ने कहा कि डिस्कॉम की ओर से सभी कर्मचारी और अधिकारियों को पूरे सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाए गए हैं। हॉटस्पॉट इलाकों में भी बिना कटौती के बिजली आपूर्ति के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं आमजन को पूरी राहत देने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान एके गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। कोरोना वैश्विक महामारी से निपटने के लिए सब कोई अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन कुछ विभाग ऐसे भी हैं जो कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में हैं। ऐसे ही एक विभाग है विद्युत विभाग, जिनके कर्मचारी 24/7 अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लगातार जनता की सेवा में जुटे हुए हैं। हमारे साथ हैं जयपुर डिस्कॉम के एमडी एके गुप्ता जी। गुप्ता साहब, लगातार कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में आप निभा रहे हैं, जनता की सेवा में लगे हुए हैं, 24/7 आपके कार्मिक हों या आप हों, लगातार जन समस्या किस तरह से राहत देने का प्रयास जनता कर रहे हैं? इसमें हमारी जो प्राइम ड्यूटी है वो तो यही है कि हमारे उपभोक्ताओं को हम 24/7 बिजली दें और उसमें क्वालिटी बिजली हो। और ख़ासतौर से जब से ये लॉकडाउन है, अधिकतर नागरिक जो है अपने घरों में बंद हैं, तो ऐसे में उनके मनोरंजन के लिए भी और दैनिक आवश्यकताओं के लिए भी बिजली जो है लगातार उनको मिलती रहे, ये आश्वस्त करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे कर्मचारी जो आंधी हो, तूफान हो, अब गर्मी शुरू हो गई है, उसमें लगातार लगे हुए हैं। आप भी देख रहे होंगे शहर में भी और शहर के बाहर भी। आमजन को किसी तरह की कोई परेशानी हो ना हो, स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, किसानों के जो मई तक के बिल हैं वो डेफर किए गए, साथ ही और भी आपकी ओर से कई रिलैक्सेशन प्रदेश की जनता को दी गई हैं, क्या क्या वो रिलैक्सेशन है आप दर्शकों के? माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिए थे, उनमें एक जो सबसे बड़ा था वो ये था कि उस समय किसान की फसल पक्के तो तैयार थी, परंतु किसान के पास पैसा नहीं था। मंडी में जाएगी जब वो अनाज बिकेगा, उसका जब पैसा आएगा, तो उनके लिए ये कहा गया कि मार्च में जो बिल जारी किए गए थे वो अप्रैल में जारी होंगे वो, और मई में अभी जो जारी होंगे वो, इन तीनों बिलों के बिल में कोई विलम्ब शुल्क नहीं लगाया जाए और 31 मई तक का उनको समय दिया जाए। और जो लोग 31 मई से पहले पैसे जमा करा देंगे अपने बिलों के, जितना भी करा देंगे, उसकी 5% की रिबेट उसको आगामी बिल में दे दी जाए। ऐसा ही घरेलू कनेक्शन में किया गया, तो ये माना गया कि जो घरेलू कनेक्शन है वो 150 यूनिट से कम वाले, इसके अलावा बचे इंडस्ट्रीज़ के, तो इंडस्ट्रीज़ और कमर्शियल कहते हैं आपके तब में, हमारे यहाँ उसको अघरेलू कहते हैं, तो जिसमें दुकानें हैं, मॉल्स हैं, थिएटर्स हैं, ये सब जो हैं, ऑफिसेज हैं, प्राइवेट कंपनीज के ऑफिसेज हैं, तो इनके जो बिल हैं उनमें दो एलिमेंट रहते हैं, एक फिक्स चार्ज और एक पर यूनिट चार्ज। तो फिक्स चार्ज जो है जितना, जितने दिन का लॉकडाउन है उतने दिन के फिक्स चार्ज डेफर कर दिए जाएं, यानी उनको हम बिल में दिखाएंगे जरूर पर मांग नहीं करेंगे अभी उनको, कब तक? 31 मई तक। रूप से काफी मदद सरकार की ओर से जो जनता की जा रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सर, जिस तरह आपने भी कहा, हमने भी कहा, कोरोना योद्धा के रूप में विद्युत विभाग के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, विद्युत विभाग के जो कर्मचारी यूनियन है उसकी ओर से मांग की गई सरकार से कि कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जाए, जो 50 लाख रुपए की COVID-19 बीमा राशि है उसमें कर्मचारियों को शामिल किया जाए, उसमें सरकार की ओर से हालांकि शामिल कर लिया गया बीमा राशि में, लेकिन जो मार्च माह का वेतन स्थगित था उसमें सरकार की ओर से अभी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया। मार्च माह का वेतन जो कट चुका है वो तो कट चुका है अभी वो, और अप्रैल के लिए कोई निर्देश आया नहीं है। अप्रैल के आज तनख्वाह जारी हो गई सबकी, उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं है। चिकित्सा विभाग और पुलिस के कर्मचारियों को वेतन स्थगन से अलग रखा, वैसे आप डिमांड करेंगे कि कर्मचारियों को, विद्युत विभाग के कर्मचारी कोरोना योद्धा की तरह कार्य कर रहे हैं, सरकार के सामने क्या ये डिमांड रखेंगे कि उनके भी वेतन स्थगन से अलग? नहीं, ये हमने पहले से लिख करके भेजा हुआ है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिख के भेज दिया हमने, तभी भेज दिया था। और अभी कुछ भ्रांतियाँ हैं ज़्यादातर लोगों को, पुलिस डिपार्टमेंट में भी सबका वेतन जो है, सबको वेतन कटौती से मुक्त नहीं रखा था, सिर्फ कांस्टेबल को रखा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके अधिकारियों के भी सबके वेतन कटे हैं, तो हमने भी ये कहा था कि हमारे तकनीकी कर्मचारियों के कम से कम नहीं काटे जाएं, लो पेड हैं, तनख्वाहें उनके घर पे कम जाती हैं, उसी में उनके बच्चों का भी, घर का भी, बहुत से किराए पे रहते हैं, किराए का भी, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं,
एक महीने से ज्यादा लॉकडाउन की अवधि को हो गया है, लगातार लॉकडाउन जारी है, आर्थिक रूप से भी सरकार को भी राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है। विद्युत कंपनियों की बात करें, बिजली कंपनियों को कितना आर्थिक रूप से इसका नुकसान है? इसको नुकसान के टर्म्स में तो नहीं कहेंगे, परंतु चूंकि पैसा आज हाथ में नहीं है और मेरी देनदारियां बढ़ गई हैं, मतलब मेरे को जयपुर डिस्कॉम को ही करीब 1000 करोड़ के आसपास, 2800 टोटल बैठता है, 1000 करोड़ का करीब मेरा है जो मुझे पिछले महीने देना था जनरेटर्स को, जहाँ से मैं बिजली खरीदता हूँ, तो वो पैसा मैं अब नहीं दे पा रहा हूँ, चूंकि अभी इस बार पैसा आया नहीं, कुल मिला करके 400 करोड़ रुपये आए हैं नकद में, तो वो एक दिक्कत है बहुत बड़ी। और अब आगामी मंथ में जो अभी बिल जा रहे हैं मई के, उसमें इंडस्ट्रीज के बिल चूंकि कंजम्पशन नहीं हुआ तो और भी कम जाएंगे, तो 250-300 करोड़ रुपए मेरे करीब और कम हो जाएंगे। तो जो पिछली बार 1300 करोड़ के बिल गए थे, अब किसे मुझे लगता है कि 1000 करोड़ के आसपास के बिल जाएंगे, और पिछली बार 400 करोड़ रुपये करीब आ गए, मुझे नहीं लगता इस बार 300 करोड़ भी आ पाएंगे। तो ये स्थितियाँ तो विषम है, अब हमारे पास में कोई चारा नहीं बचेगा बजाय इसके कि हम हमारे उपभोक्ताओं से निवेदन करते रहें कि वो जितने से जितना भी कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करें वो, और दूसरा सरकार से निवेदन करेंगे कि ऐसे आड़े वक्त पे कोई सहायता का पैकेज डिस्कॉम्स को देंगे। यदि ये अभी सहायता नहीं मिली तो अल्टीमेटली अगली जो टैरिफ आएगी उसमें इसका इम्पैक्ट आएगा और फिर दरें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सर, क्या विद्युत विभाग के जो श्रमिक के कर्मचारी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप एवन टीवी के माध्यम से? मैं बिल्कुल, आपने बहुत सटीक बात कही है, हमारे यहाँ भी सभी जो कर्मचारी हैं उनका आज उत्साहपूर्वक ये मई दिवस मनाने के लिए छुट्टी की जाती है, पर जो अभी विषमताएँ हैं और जो परिस्थितियाँ हैं उसमें कोई फंक्शन तो नहीं होगा, पर मैं उनको सबको शुभकामनाएं देते हुए ये उनसे आशा करता हूँ कि जैसा सहयोग वो उन्होंने बनाया है उससे भी ज़्यादा उन्होंने अभी इस कोविड पीरियड में बनाया है, लॉकडाउन पीरियड में सहयोग किया है, अपने आप परस्पर काम करते हुए भी और उपभोक्ताओं के लिए जो सेवा देनी है जो हमारी प्राथमिकता है उसमें उसी प्रकार से सहयोग वो हमें करते रहें। तो ये थे जयपुर डिस्कॉम के MD AK गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बिजली विभाग के जो कार्मिक हैं 24/7 अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इस कठिन समय में भी जो विद्युत विभाग के जो कार्मिक हैं फील्ड में पूरी तरह से सेवा के लिए तत्पर हैं। साथ ही उन्होंने उपभोक्ताओं से ये अपील भी की है कि राजस्व घाटे को देखते हुए जो उपभोक्ता है वो समय पर ऑनलाइन बिल जमा करवाते रहे, जिससे डिस्कॉम्स को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट विजयनाथ मिश्रा के साथ दिनेश कसाना, A1 TV जयपुर।